कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष केरल से वायनाड के सांसद राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हो गई है। 2 साल की सजा के बाद लोकसभा ने ये निर्णय लिया है। इस निर्णय के आने के बाद ही कांग्रेसी लगातार सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रीवा में भी NSUI के छात्रों ने एकत्र होकर राहुल गांधी के लिए जमकर नारेबाजी की, भारतीय जनता पार्टी को जमकर कोसा। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जैसे ही गुजरात की एक अदालत से 2 साल का सजा का मामला सामने आया, उसके बाद लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया। इसके बाद से ही तमाम कांग्रेसी दिल्ली से लेकर पूरे देश के विभिन्न इलाकों में लगातार सड़कों पर नजर आ रहे हैं, अपने अपने तरीके से विरोध प्रकट कर रहे हैं, अपने नेता के प्रति आस्था जता रहे हैं। रीवा में भी NSUI के छात्रों ने जुलूस निकाला, मशाल जुलूस शहर में निकाला, उसके बाद जमकर भारतीय जनता पार्टी को कोसा। छात्रों का साफ तौर से कहना था, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी नेता आवाज़ उठाता है उसके खिलाफ इसी तरीके के कदम उठाए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को ख़त्म करना चाहती है, जिसके चलते उसने राहुल गांधी के खिलाफ इस तरीके के कदम उठाए हैं। हालांकि राहुल गांधी लगातार ये कह रहे थे, मुझे संसद में बोलने का मौका दिया जाए। लंदन मामले में भी वो अपनी सफाई देना चाहते थे, लेकिन उनको संसद में बोलने का मौका नहीं मिला। राहुल गांधी चाहते थे अडानी के खिलाफ JPC बनाकर मांग की जाए। JPC अगर बन जाती तो तमाम तरीके के आरोप जो भी उन्होंने लगाए थे निकल कर सामने आ जाते, ऐसा NSUI के छात्रों का कहना उनका कहना था। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। आइए आपको सुनाते हैं, मशाल जुलूस के बाद हमने जब बात की तो उनका क्या कुछ कहना था, आप भी सुनिए। जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के ऊपर भाजपा ने दोषपूर्ण कार्रवाई की है, उसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। और ये भाजपा सरकार लगातार जो युवाओं की बात करेगा, जो किसानों की बात करेगा, जो किसानों के अधिकारों की बात करेगा, उसकी आवाज को दबाने का काम भाजपा सरकार कर रही है और विपक्ष को खत्म करने का प्रयास कर रही है। इस लोकतांत्रिक देश में अपनी आवाज उठाने का अधिकार नहीं है क्या? हमारे देश के नेता, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी कभी सुनवाई लेकर सांसदों में चर्चा करना चाहते थे, उनके खिलाफ भाजपा ने षड्यंत्र किया और उनकी सांसद संस्था नष्ट की है। मैं कहना चाहता हूँ भाजपा सरकार के बैठे उन तमाम लोगों से कि देश का युवा शांत नहीं बैठने वाला, जरूरत पड़ेगी तो लाखों की तादाद में जेल भरने का भी कार्यक्रम करेंगे। अगर हमारे नेता को कहीं भी अपमान हुआ तो